नमस्कार संगो मन्ने, जय जगन्नाथ। स्वागत करुचे एवरीडे विथ बनिता रे। आउ आपण मन सब केमती अछन्दि कहिबे। प्रभु जगन्नाथ कृपा रे मु भल रे अछि। आउ एबे गाधे किरे आसली, मुंड भी धोइछि, गाधे के आसली। एबे ना एठी जळखिया खाइबे पे जाउथिली, भाबले आपण मन सहित कथा हे जेबि टिके। देखनु जळखिया रे कोन आ जानिछि। स्प्राउट अछि, आउ ऑरेंज अछि, आउ बादाम अछि। रोटी भाजी भी बनई रुटी आ कलरा आलु भजा होता टीफिन ने मत आज कहीं रुटी भजा खायाप ये ना ये खाइदे खाई सारे आपण मान सहित कथा सरल मस्त गरम गरम चाह पीवा। आठना मुझ बनवाई आसली, आ जेनेल को क्षीर गरम करी देदेवी। आ मुना से जो क्षीर सरटा ना रखी रखिकी घी बन दिए, घर घी है पे सर खाइ जमा भी बुझुना। आठ देखुंत ना मुझे रखी घी बनवाई, आ जेनेल को भी साथे साथे क्षीर गरम कर देदेली, आ चाह भी बसईदेली। हजबैंड आज टे जल्दी आसार अच्छे ना, तो चाह भी बसईदेली सांगे सांगे से क्षीर बसई चाह कर किचेन पूरा क्लीन करदे। देखूँ आगे कौन कर चाह बसई चाह पीबे से भाई, आउ ये भी आज जल्दी आसवे। जल्दी कौन पर आसान मैंने नेक्स्ट वीडियो रे जानपरेंगे। एबे ना काम सरगला ना आपण मन को ना भल दीटा जिनस देखेबी देखेबी कौन कह अच्छे बोलते पेपरटा जिते बड़े बाघर हो नाला ना म्यारेज पूर्व आम से गोटे भौणी थे कवि दीदी आम तुम्हें आ समस्त ट्यूशन करते छोट छोट पिला समस्त ट्यूशन करते बहुत बढ़िया पाठ पढ़ाते। मुझे से जो म्यारेज नाला ना से ट्यूशन करते मो म्यारेज होगा। म्यारेज पर ना मुझे मो आयुष है ना आयुष पर मुझ गाँव को जाए से सब भल भल कथ पा शिखाते। तो मुझे कहली मुझे अच्छा दीदी समस्त पिला शिखा मो पुपी कौन रखी मो पु कौन शिखब आयुष को से बहुत भल पाते। तो सी ना एक्चुअली ये जो कविताटा ना छोट पिला गाइले ना तंको ये देखो से दीदी सी निजे लिखिके ये ना ये गला बोधे आठ नौ वर्षर कविता कारण आयुष जो छोटा होता दी तीन वर्षर सिद्धकार कविता। तो सी ना से लिखिकी मैं ताको देते सब कौ बही हिं लिखी थे बोधे आपण मान पाखे बोधे थी बोधे क्यों मान पाखे कविताटा अच्छे मत कह आपको ना मुझे पढ़ी आपण मानक शुणी आपण मैंने आपण मान पा शिखे छोट पिला जोबले ना गालू गालू कथा कहते निहत भाव में शिखेबी। आयुष शिखी आयुष छोट बे गाला ये कविताटा ना बहुत सुंदर कविताटा ये कविताटा आपण मानक आज शुणेबी। आ मु गोटे कविता लिखी थी म्यारेज पूर्व से कविताटा एबे भी मो मनरे थिला एबे माउ थरता लिखिकी मो इंस्टारे भी पोस्ट करी मते बहुत भल लगे से कविताटा से पढ़ी आज शुणी आज कवितार कवितार मो वीडियो शेष हम आलतु एबे चाह कर भाईना को देदेवी से भाईना चाह पीबे मुझे चाह पीबी ना हजबैंड आसला पर चाह पीबी एबे ना मुझे पिजुड़ी काटिक खाइबी पिजुड़ी के एवं मुझे काटबी आजुड़ीटा खाइबी आ हजबैंड आसला चाह पीबी।
खिचुड़ी खाइबे। आउ एठ मु फ्रूट्स गोटे जहाँ भी दिन गोटे फ्रूट्स खाए खाई सारिकी ना एठी टिके जेनेल की पढ़ौची आउ पढ़े सारी आपण मानक सहित फिर कथा होउची। बेसी ठीक ही गला भाईना एबे एसी कर दे करी गले आउ जस्ट एबे टिके फ्री हेली आउ भाबिले आपण मानक कहि थली ना कविता सुनी बोली आज कवितार ही एंड करबी। देखंतु ए सेही कविता जे 5-7 वर्ष तळर कविता एबे भी मु कवि दीदी दीदी मो वीडियो केबे देखिबे ना भाबिबे कि ये तांको हैंडराइटिंग आउ एबे भी मु साहित्य रखि छी तांको कविता को कारण से मत से आयुष जब छोट होता ना बर्षे 2 वर्षर से मत दे ये कविताटा ना एत सुंदर होना छोट पिला मैंने जो मैंने धीरे धीरे एवं कथ कह स्टार्ट करेंगे गालुर गालुर कविताटा जो कहे समस्त आगे कि माँ आगे ना कि टीचर आगे बहुत बढ़िया लगे बहुत बढ़िया लगे। आयुष जब छोट होता ना मुझे भी शिखे थी आउ ए जेनेल पाई जेनेल तो एबे ठीक से कथा भी कहनी क्लीयर है कथ कहि क्लीयर है जब से क्लीयर कह भी शिखेबी आयुष को भी शिखेली आउ ये कविता प्राय समस्त पाखे आम ओडिया समस्त पाखे थी कहीं सी मत ये कविता ना गोटे बहीर लिखिकी मत लगुच समस्त पाखे थी आउ जो मेरे नत कह मुझे फिर रात बस पीडीएफ बनईकनी लेखा करी आँ मैंने ये कविता गाँव भी कह कहीं ये सब ओडिया छोट छोट कविता ना पिला शिखेबा दरकार आने गायबा आने गाइले भारी बढ़िया लगे। चलो मैं शुणी दूचे आपण मान को पढ़ के शुणी मन ना मुझे बहुत दिन तलर माँ पी मोर किए से हेब माँ पी मोर किए से हेब नाना गीत गाई सुहाई देव कोले धरव गेल कर मो आखिर लुह जकई आसिले काख मरी मु काख कर मत हसई देव माँ पी मोर किए से हेब माँ पी मोर किए से हेब मोली अजट सब सह गप कह बुझेदेव गुणु गुणु हो गीत गाई गाय बिछणार मत सुहाई देव माँ पी मोर किए से हेब दांडरु आसिले आउंसी थिबो धूली झाड़ी मुंड कुंडाई देव देहरे पोशाक पिंधाई देव आ आ कोई सरग चांद को हाथ टेकी मते देखाई देव माँ परी मोर किए से हेब बही बस्तानी को सजाड़ी देव पाठ पढ़ाक पठाई देव अनाई थिव खाई न थिव दुनिया रे मुई बड़ हेबा लगे सबुबले शुभ मनासु थिव माँ परी मोर किए से हेब माँ परी मोर किए से हेब। आज्ञा कविता बहुत छोट कापाई कौन किंतु मोपाई ये बहुत मीनिंगफुल आ बहुत सुंदर बहुत सुंदर कविता आपण मान पिला जो कविता केबे भी को स्कूल रे हो टीचर हो को सांग सांगे आगे गुण गालु गालु ये छोट मुहरें गायब ना भारी बढ़िया लगे जदि आपण मैने पाखे ये थी प्राय मु भावे सब पेरेन्ट्स पाखे ये थी सब बापा माँ पाखे थी जदि क्या पाखे नाल कह देवी आबे जो कविता गायबी से मो कविता मीनस कि मुखी थी स्कूल लाइफ रे गोटे सांग थिला लव करूला आउ ता लवर तक छाड़ी दे ब्रेकअप होता आप से मत कांदी कांदी कही मुझे तो बहुत लिखुली स्कूल टाइम रे मु जिला स्तरीय बहुत ब्लॉक स्तरीय बहुत कविता लिखे प्राइज पाई आज्ञा बहुत लिखे समस्ते जानते मो स्कूल सांगसाथी मुझे लिखे गाँव रे भी जानते तो से मुझे कविता लिखी थी बट भूली जाइली एवं कितना से कविता मोर मन थिला तो फिर आउ गोटे कागज एमती लिखी रखी थी फिर लिखली कि यहाँ मो लेखा मुझारे जो मैंने थे ना इनस्टारे देखिए तो इनस्टारे मोर से लेखाटा अच्छी से आपण मान को पढ़ी शुण कवितार ना दे अपेक्षा बोध हुए आम फगुणर पृथ्वी रे वैशाखर ताती थिला चांदर उआंसरे कलंकर छात थिला मते जंत्रणासिक्त स्वप्न को जंत्रणासिक्त स्वप्न को मते भेटिबा को पड़िला किंतु तो पाई आज भी साहित्य रखी स्मृतिर फूल तोड़ा स्वप्नर दुनिया रे रखी अनेक किछि प्रीतिभरा आशा तु केबे आसिबु तो बाट एबे भी चाह बस सबुदिन पचारूची हाँ सबुदिन पचारूची जह्न को जोस्ना भिजि भिजि तो कथा भल पाइबार निरा संविधान लेखा को तू पर कथा देलु संपर्क सीमा मध्य भल पाइबार ताजमहल गढ़ा को तू पर जगह किलु
कह कह तू केबे आसिबु तो बाट एबे भी चाहि बसिछि। बयसर राजपथरे चालू चालू देखा होइथिला तो साथीरे गढ़ी उठिथिला एक अभिन्न संपर्क। तू परा कहिथिलु आम संपर्कर सरल रेखा लंबी थिबो आखिरु अक्षांश अक्षांश जाए, किंतु तू आजि से संपर्करे पुण्यछ टाणि देउछु। कौन पाई तो जानिनि, किंतु देखा हेले पचारिबि तते तो बाट एबे भी चाहि बसिछि। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲେଖା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାରେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଭାବିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏ ଲେଖାଟା କହିବେ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କବିତାଟା ବି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି, ଆଜି ପୁରା କବିତାରେ କବିତାରେ ସାରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏମିତି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଛୋଟ କବିତାଟା ନୁହଁ, ବାସ୍ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଏମିତି ଆସିଲା, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଗଲା, ଭାବିଲି ସେମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହି ହେଇକିନି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ମୋର ବି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼। ତ ବାସ୍ ଆପଣ ଛୋଟ କବିତାଟା ଶୁଣାଉଛି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୁ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଉଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶିଳାପଥରେ ପେଶି ହେଉଥାଏ, ସବୁ ପରେ ବି ଶେଷରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦର ପାହାଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଲେଖିଥିଲି, ଏ କବିତାଟା କାଲି ଲେଖିଥିଲି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ କବିତା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆଜି କିଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ, ଜଣେ ବାର ବାର ସେ ଭଉଣୀ ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବନେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ୱିଥ୍ ବନିତାରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋ କବିତା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଯିବେ ଆଉ ମୋତେ କହିକରି ଯିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।